सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक्निकल गुरुजी के एक और बहुत ही फ्रेश कमाल एपिसोड में। और यहां पर दोस्तों ये वीडियो बहुत ही खास है भैया, जहां पर मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कौन कौन से होने वाले हैं कुछ अपकमिंग स्मार्टफोन्स जो हम देख सकते हैं इसी जनवरी के महीने में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे यार ये जो सीरीज है ना, ये मतलब मैं आपकी डिमांड पे लेके आया हूँ, जहाँ पे हम दोस्तों हर महीने बात करेंगे अब से शुरुआत में कि भैया कौन कौन से फोन्स हैं वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस महीने में लॉन्च होते हुए। तो यहाँ पे दोस्तों ये सीरीज का पहला एपिसोड फिलहाल जनवरी 2019 के लिए। और यहाँ पे दोस्तों लिस्ट मेरे पास में है, उसमें काफी चीजें कन्फर्म्ड है, काफी चीजें रूमर्ड है, लेकिन यहाँ पे लिस्ट बढ़ी है एक्साइटिंग। दोस्तों यहाँ पे जो बात होती है पहले फोन की वो है ऑनर की तरफ से आने वाला ऑनर व्यू 20। ये दोस्तों बिल्कुल कन्फर्म ही हो चुका है। जहां अगर आप जाते हैं amazon.in पे तो आपको दोस्तों दिख जाता है यहां पे इसका एक लैंडिंग पेज जहां पे लिखा है कमिंग सून। दोस्तों ये जो फोन है ये बहुत ही कमाल होने वाला है, क्योंकि इसमें है Huawei का Kirin 980 प्रोसेसर, 48 मेगापिक्सल दोस्तों मिलने वाला है यहां पे रियर फेसिंग कैमरा, और इसके अलावा यहां पे दोस्तों मिलने वाला है वो डिस्प्ले के अंदर छेद के अंदर लगा हुआ कैमरा फ्रंट फेसिंग वाला। तो मतलब फोन जो है वो बिल्कुल एक फ्लैगशिप ग्रेड फोन है। लेकिन दोस्तों ऑनर की खास बात ये कि ये आपको मिल सकता है बहुत ही कमाल प्राइसिंग में। दोस्तों यहां पे बात है ऑनर व्यू 20 की, खैर देखते हैं कि इसकी एग्जैक्ट लॉन्च डेट क्या होने वाली है और इसकी प्राइस क्या रहती है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगर अगले फोन की, तो यार ये दोस्तों वो फोन है जिसका मतलब कब से कर रहे हैं हम बेसब्री से इंतजार, और ऐसे में दोस्तों ये भी रूमर्ड है कि आपको इस महीने के एंड तक देखने को मिल सकता है। अब यहां पर दोस्तों ये इंडिया में सेम टाइम पे आ पाएगा क्या नहीं दोस्तों, इस पे एक डाउट है। लेकिन यहां पर दोस्तों बात हो रही है भैया नोकिया के नोकिया 9 की, 5 रियर कैमरेज वाला दोस्तों ये जो फोन है, ये रूमर्स कहते हैं कि जनवरी में ही आ जाएगा, और ऐसे में दोस्तों काफी सारे लीक्स पे भी आई गए हैं। तो देखते हैं कि ये दोस्तों क्या कमाल करता है नोकिया के लिए, जहां पे पीछे की तरफ है 5-5 कैमरास, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दोस्तों हो सकता है इस फोन में हो। तो यहां पे ये है नोकिया का 9। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगर वीवो की, तो यहां पे दोस्तों शायद हमको देखने को मिल सकता है वीवो का वीवो नेक्स ड्यूअल डिस्प्ले, या फिर दोस्तों अगर ये नहीं तो शायद कोई दूसरा फोन वीवो की तरफ से। लेकिन आपको जनवरी के महीने में दोस्तों वीवो की तरफ से भी कोई ना कोई एक नया फोन देखने को मिल सकता है इंडियन मार्केट में। इसकी भी बहुत ज्यादा दोस्तों स्ट्रांग रूमर्स हैं, हालांकि अभी चीजें ऑफिशियल नहीं हुई हैं, लेकिन शायद दोस्तों ये भी हमको देखने को मिल जाए। इसके बाद बात करते हैं तो यहां पर दोस्तों Xiaomi जो है वो कुछ नया कमाल कर सकता है, जहां पर दोस्तों बात होती है Xiaomi के Redmi Pro 2 की। यहां पर बहुत दोस्तों पहले एक बार आया था Xiaomi का Redmi Pro, और इसी का सक्सेसर दोस्तों एक नया फोन निकल के आ सकता है जहां पर होगा 48 मेगापिक्सल का कैमरा, साथ दोस्तों अभी रिपोर्ट्स कहती है कि हो सकता है स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर। तो ये शायद इंडिया में आ जाए या शायद इंडिया में क्या पता ना भी आए, लेकिन अपने आप में दोस्तों फोन बहुत ही कमाल होने वाला है भैया मिड रेंज मार्केट में। 48 मेगापिक्सल मतलब देखो यार फिर कितना जूम करोगे और कितना क्रॉप करोगे। और यहां पर दोस्तों दूसरी तरफ बात होती है भैया Xiaomi के एक एंड्रॉयड गो एडिशन पे आने वाले फोन की, और ये दोस्तों शायद इंडिया में आ सकता है बिल्कुल एक बहुत ही कम प्राइस पे, जहां पे शायद ये होगा सबसे सस्ता फोन Xiaomi की तरफ से, और यहां पे हमको मिल सकता है एंड्रॉयड पाई गो। अभी ऐसे में इसकी बाकी स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी, क्योंकि दोस्तों जो ज्यादातर फोन होते हैं एंड्रॉयड गो वाले वो इतने अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन यहां पे शायद हम कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं Xiaomi की तरफ से। ये जो फोन है ये भी शायद हमको जनवरी के महीने में देखने को मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहां पे Realme को लेके, तो इस फोन को दोस्तों अभी रिसेंटली रूमर्स आना शुरू हुई थी कि यहां पे Realme जो है वो एक और नया फोन लेके आ सकता है। दोस्तों ये होगा एकदम शायद बिल्कुल ही एकदम बजट फोन Realme C1 से भी कम प्राइस पे, या फिर दोस्तों क्या पता कि दूसरी कैटेगरी हो। लेकिन यहां पर जो एक नाम निकल के आता है सामने वो है Realme A1। अब ये बात कहां तक सही है कहां तक नहीं है दोस्तों फिलहाल इसके बारे में ज्यादा कह नहीं सकते हैं, लेकिन Realme शायद अपना एक नया कुछ फोन लेके आ सकता है Realme A1 के नाम से जनवरी के ही महीने में। और इसके बाद दूसरा मैं बात करता हूं अगर आपसे Motorola की, तो भैया Motorola तो भैया लेके आएगा Moto G7 सीरीज, और इसमें दोस्तों होंगे 4-4 फोन्स। एक तो होगा सिंपल Moto G7, फिर G7 Play, G7 Plus, G7 Power, पता नहीं भैया क्या क्या। और यहां पर दोस्तों ये शायद जो है वो इंटरनेशनल लॉन्च हो सकते हैं जनवरी के महीने में, और Motorola की समझदारी पर डिपेंड करता है कि वो इसको इंडिया में कब तक और किस प्राइस पे लॉन्च करना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहां पे, तो Samsung जो है वो अपनी एक ब्रांड न्यू सीरीज को लेकर शायद दोस्तों आ सकता है, इसके भी काफी स्ट्रॉन्ग लीक्स चल रहे हैं मार्केट में। और यहां पर दोस्तों ये होगी Samsung की M सीरीज, जहां पे Samsung शायद
रिडिफाइन करने वाला है अपने मिड रेंज फोन्स को। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे इस सीरीज में जो रूमर्स वो कहते हैं वो नाम दोस्तों आते हैं निकल के M10, M20, M30 या फिर M1, M2, M3 वगैरह, और यहाँ पे आपको मिलने वाला है एक नॉच वाला डिस्प्ले और शायद दोस्तों एक बड़ी बैटरी लाइफ वगैरह। तो मतलब जो सैमसंग है वो भी कुछ नया लेके आ सकता है मिड रेंज मार्केट्स में दोस्तों। यहाँ पे अभी फोन जो है वो 2-3 होंगे या 1-2 होंगे वो हम देखते हैं, लेकिन दोस्तों ये भी लॉन्च होने वाला है जनवरी के ही महीने में। इसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूँ आपसे तो 10 और, ये दोस्तों एक ऐसा ब्रांड है जिसने काफी अच्छे फोन्स निकाले, बीच बीच में कुछ कुछ एवरेज फोन्स भी थे, लेकिन यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है 10 और G2 की। और यहाँ पे दोस्तों होता है ये लीक जहां पे मालूम चलता है कि इसमें लगा होगा स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर, और जहां तक दोस्तों कहते हैं रूमर्स की ये शायद आ सकता है मार्केट में 15,000 से कम की प्राइस में, तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन निकल के आ सकता है अगर दोस्तों ये आता है जनवरी के महीने में, जो कि कहती हैं रूमर्स। तो देखते हैं कि जो 10 का G2 है ये क्या लेके आता है अपने साथ इंडियन मार्केट के लिए। और यहां पे दोस्तों बात करते हैं फाइनली, तो दोस्तों बात हो रही है यहां पे CES की, और यहां पे दोस्तों CES बोले तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो जो कि होने वाला है भैया यहां पे लास वेगास में 8 से 12 जनवरी के बीच में, और मैं दोस्तों वहां पे जाने वाला ही हूं। तो वहां पे जो है बहुत ही स्ट्रांग रूमर्स हैं कि हमको शायद अलग अलग जो ब्रांड्स हैं दोस्तों वो शोकेस कर दें अपने फोल्डिंग फोन्स वगैरह, जहां पे सैमसंग शायद शोकेस करेगा, तो सैमसंग के अलावा जो बाकी ब्रांड्स हैं वो भी कुछ अपना शायद कुछ नया दिखाएंगे यार, क्या पता कुछ सरप्राइज हमको मिल जाए CES के टाइम पे। तो ये भी दोस्तों कुछ सरप्राइजिंग जो है वो फोन्स हो सकते हैं जनवरी के महीने के लिए। दोस्तों ये थे भैया सारे के सारे नाम फिलहाल इस लिस्ट में, देखते हैं क्या सही होता है क्या नहीं होता है, क्या देखने को मिलता है, किस प्राइस में दोस्तों आती है चीजें। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आया तो भैया दबा दो लाइक के बटन को, कर दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब, और मैं आपसे कोशिश करूंगा कि हर महीने की शुरुआत में ही या फिर दोस्तों लास्ट में ही भैया पिछले महीने को बता दूं कि नेक्स्ट मंथ क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं चीजें। तो ये जो सीरीज है अभी आपको बताएंगी डिटेल्स की हर महीने आप क्या कुछ नया एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्मार्टफोन इंडस्ट्री में, और इसके अलावा कोशिश करूंगा अभी भैया इसी नए साल 2019 में कुछ कुछ और नई नई सीरीज आप तक पहुंचाने की। दोस्तों बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।